हमारा भोजन ही हमारी जमा पूंजी है। अच्छा भोजन मतलब अच्छा निवेश है। अनुशासन से हम अपना वजन कम कर सकते हैं और इस युद्ध को बहुत आसानी से जीत सकते हैं। कुछ अच्छी आदतों से हम अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। उसी प्रकार अच्छा खाने पीने की आदत के साथ साथ अगर खाने को चबा चबा कर 32 बार खाएं और इसका प्रतिदिन अभ्यास करें तो हम अपने शरीर को सुंदर और तंदुरुस्त बना सकते हैं, वो भी बिना एक पैसा खर्च किए हुए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी देखिए मॉर्निंग का टाइम है और मैं एक्सरसाइज करने के लिए यहाँ पर छत पर आ चुकी हूँ और मैंने यहाँ पर अपनी मॉर्निंग भी एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी है। फ्रेंड्स, तो एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। जब हम लोग विर्थलूर जर्नी पर हो ना, तो एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। जैसे खान पीन के साथ साथ हमें 10 या 15 मिनट एक्सरसाइज तो करनी चाहिए। जब फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करते हैं ना, तब हमें 10 मिनट से ही स्टार्ट करनी चाहिए। अभी तो मैं 30 या 40 मिनट अपनी एक्सरसाइज कर लेती हूँ, लेकिन जब मैंने स्टार्ट की थी ना, तब फर्स्ट वीक मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लगा था। क्रैम्प्स पड़ जाते हैं ना लेग्स में और कमर में और बाजू में, तो बहुत पेन लगता है, लेकिन 1 वीक के लिए ही लगता है। उसके बाद फ्रेंड्स आदत बन जाती है। आप एकदम से बहुत ज़्यादा ना स्टार्ट करें, 10 मिनट से स्टार्ट करें और प्रतिदिन इसका अभ्यास करने से रोज़ रोज़ अपना टाइम इनक्रीज़ करते जाएँ, जिससे कि हमें हमारी बॉडी जो है ना फ्लेक्सिबल हो जाती है। फिर हम अपना टाइम बढ़ा सकते हैं और एक्सरसाइज भी इनक्रीज कर सकते हैं। जैसे 20 का सेट लगाते हैं, फिर हम 100 का सेट लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, तो एक्सरसाइज से मुझे तो बहुत बेनिफिट हुआ। एक तो मेरी बॉडी जो है ना बहुत एक्टिव रहती है और वज़न भी, मैंने 12 kg अपना वज़न कम कर लिया है फ्रेंड्स, और साथ में 32 बार का फार्मूला, जिससे कि बहुत उसने तो कमाल कर दिखाया है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप कुछ लोग को मैसेज आते हैं कि हम लोग वर्किंग हैं, हम डाइट तो कर सकते हैं लेकिन एक्सरसाइज बहुत क्या ज़रूरी है। हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको फिट रहना है, अपने आप को सुंदर दिखना है, अपने आप को अच्छा फील कराना है ना, एक्सरसाइज करने से किसी के लिए नहीं हम करते, अपनी बॉडी के लिए करते हैं। उससे क्या होता है कि हमें बहुत अच्छा फील होता है, हम एक्टिव हो जाते हैं, एक ना पॉजिटिविटी आ जाती है हमारे अंदर कि हम 10 मिनट करो। अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर मॉर्निंग को टाइम नहीं है फ्रेंड्स, तो आप इवनिंग को भी एक्सरसाइज कर सकते हो। जब भी आपके पास टाइम लगे तो आप 10 मिनट एक्सरसाइज ज़रूर करें। अगर सुबह आप 5 बजे उठते हो तो 4:30 उठना शुरू कर दो फ्रेंड, 4:30 पर उठो, आधा घंटा पहले उठ जाएं फ्रेंड्स, तो अपनी एक्सरसाइज कर सकते हो आप। हमें कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ तो खोना पड़ता ही है ना, कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ता ही है। तो हमारा बॉडी जो है ना कभी कभी हमारा साथ नहीं दे रही होती, लेकिन हमें अपने दिमाग को सेट करना पड़ता है और दिमाग में सब कुछ बैठाना पड़ता है कि हमें वेट कम करने के लिए एक्सरसाइज करनी है और खान पीन का साथ साथ ध्यान में रखना है। तो अगर हम दिमाग में बैठा लेना, तो हमारी बॉडी साथ साथ अपने आप ही काम करना शुरू कर देती है और रेगुलर एक्सरसाइज करने को बहुत दिल करता है। फिर एक दिन छूट भी जाए ना तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तभी देखिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज करने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हुई थी, तो यहाँ पर मैंने कपड़े चेंज कर लिए और हेयर ऑयलिंग कर मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। आज बन रहे हैं एग आमलेट बन रहे हैं। बेटा बिल्कुल भी वेजिटेबल डालकर नहीं लेता, उसके लिए बना रही हूँ और बाकी सबको वेजिटेबल डालकर दूंगी। मैं तो खाती नहीं हूँ, मैं तो वेजिटेरियन हूँ, तो मैं अपने लिए लूँगी फ्रूट्स फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हमें अपने लक्ष्य को पाना है ना, कि हमें अपनी मंजिल तक पहुँचना है, तो हमें छोटे छोटे अपने लक्ष्य बनाने पड़ेंगे। अगर हम सोच लेना कि 1 मंथ में 2 या 3 kg वज़न कम करना है, तो बहुत आसानी से हम अपने मंजिल तक पहुँच पाते हैं। लेकिन अगर कभी कभी क्या होता है कि हम सोचते हैं कि हम 1 मंथ में 10 kg कम कर लेंगे, उससे क्या होता है कि हम शुरू तो कर लेते हैं लेकिन क्या होता है कि हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि हमारा लक्ष्य कंप्लीट नहीं होता, तो हम बीच में छोड़ देते हैं और फिर सब कुछ खाना पीना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ फ्रेंड्स। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप यू आर वेल। अब मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने 32 बार ही क्यों चूज़ किया था, फार्मूला क्यों यूज़ किया। इसके बहुत बेनिफिट है। जैसे हम हाउसवाइफ हैं, डाइट प्लान नहीं ले सकते, कॉस्टली पड़ता है, और कई बार क्या होता है हमें जिम जाना भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है, कॉस्टली भी लगता है, और घर के काम छोड़कर जाना भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए मैंने कुछ, क्योंकि इससे बहुत बेनिफिट होता है, हम च्यू कर करके खाते हैं
हैं और हमारा वेट भी लूज होता है और हम हेल्थी भी रहते हैं फ्रेंड्स। इसलिए फ्रेंड्स मैंने 32 बाग का फार्मूला चूज़ किया था जिससे मुझे बहुत बेनिफिट हुआ, तो जिसने मुझे कमाल कर दिखाया और मुझे स्लिम ट्रिम कर दिया फ्रेंड्स। तो ये सूट जो मुझे ना थोड़े एक महीना पहले अभी थोड़ा टाइट टाइट आ रहा था, लेकिन अब ये भी लूज हो चुका है तो बहुत ही अच्छा लगता है। अभी आप बने रहिएगा, इसी तरह हम लोग जा रहे हैं आज मायके, तो थोड़ी छुट्टी अभी है तो 2-3 दिन के लिए मायके जाते हैं फ्रेंड्स। वहाँ पर भी पापा अकेले हैं, थोड़ा मुश्किल हो जाता है, उनसे भी मिल लेते हैं थोड़ा सा। और सहज के यहाँ पर हेयर बना रही हूँ, खुद के भी अभी हेयर बनाने हैं, हेयर वॉश किए हुए हैं मैंने। चलो अभी रेडी हो जाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। आप बने रहिएगा इसी तरह मेरे ब्लॉग में फ्रेंड्स। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अगर थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना। चलो मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। रेडी हो चुकी हूँ, मैंने ये वाला एक सूट पहन लिया है और इसके साथ ये वाला दुपट्टा है। ये सूट जो है कॉटन का ही है, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो मैंने कॉटन का सूट ही पहना है। और साथ में आज ये वाला पर्स लेकर जाऊंगी छुटकू सा, थोड़ा इसमें क्या अपना पर्सनल कुछ होता है ना, इसमें रख लेते हैं ना अच्छा रहता है। तो चलो फ्रेंड्स बिल्कुल रेडी हैं, अब लाइट्स बंद करते हैं। आंटी अभी आंटी काम कर रहे हैं तो उन्होंने पोछा लगाना है तो पोछा लगा देंगे, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। और मम्मी घर पर हैं, हम तीनों ही जा रहे हैं, तो रहेंगे घर पर, तो हमारी बिल्कुल रेडी स्टेडी हैं तभी जा रहे हैं फ्रेंड्स। तो बने रहिएगा, आपके साथ शेयर करेंगे मायके का व्लॉग भी और देखेंगे कितना शेयर कर पाएंगे। जलया एक लया, चलो अभी देखिए बाहर कितनी धूप है। चलो फ्रेंड्स बिल्कुल रेडी हैं हम लोग, अब चलते हैं। फ्रेंड शेयर करेंगे, देखते हैं कितना व्लॉग शेयर कर पाएंगे। चलो एसी ऑन है तो लाए, शीशा बंद कर देते शूट करें। आज का व्लॉग देखिए फ्रेंड्स, मैं अपने मायके से स्टार्ट कर रही हूँ। हम लोग कल से ना मायके आए हुए हैं, लेकिन उसके बाद ना कुछ व्लॉग ही नहीं बना पाए, उसके बाद बस ऐसे बिजी हो गए सब यहाँ पर, तो बातें करने लगे। तो एक मोबाइल चार्ज नहीं था मेरा, तो लाइट बंद थी यहाँ पर, तो फिर मोबाइल चार्ज नहीं हो पाया। तो इवनिंग को आया तो फिर सब बातें लगे रहे। उधर जगदीप भी अपने लॉस ससुराल से आई हुई उधर, और सब बैठे रहे और बातें करते रहे और मोबाइल पकड़ा ही नहीं और वीडियो बनी नहीं। तभी मॉर्निंग का टाइम है तो मैंने सोचा चलो आपके साथ, मैं अपने लिए पानी लेकर आई थी गर्म। तो अभी सब सो रहे हैं उधर रूम में, पापा उठ चुके हैं और अपना पाठ पूजा कर रहे हैं अभी। तो मैं अभी आज लेट उठी हूँ, आज 7 बजे उठी हूँ फ्रेंड्स, और अपना पानी इंजॉय कर रही हूँ गर्म पानी, जो कि मैं सुबह उठते ही 2 गिलास गर्म पानी पीती हूँ और सिंपल पीती हूँ, उसमें कुछ भी नहीं डालती फ्रेंड्स। सुबह के पानी में सिंपल पीती हूँ, 1-2 गिलास ऐसे पीती हूँ। तो आए यहाँ पर बिल्कुल रिलैक्स है, मुझे कोई टेंशन नहीं है कोई काम करने की, थोड़ा बहुत होता ही है वो तो करना ही होता है, लेकिन क्या है कि थोड़ा कम टेंशन होती है ना मायके में, लेकिन क्या है मुझे तो करना ही पड़ता है क्योंकि मेरे घर पर मायके में और कोई नहीं है, तो यहाँ पर आके भी हमें करना काम करना ही पड़ता है। चलो अभी देखते हैं क्या नाश्ता बनेगा, फिर आपके साथ शेयर करेंगे और ना आपसे अभी मिलते हैं थोड़ी देर में। पानी पी लेते हैं अभी यहाँ पर, देखिए फ्रेंड्स मैं अपना पानी पी ले रही हूँ। मैं सिंपल पानी ही लेती हूँ सुबह 2 गिलास, आप चाहो तो इसमें लेमन ऐड कर सकते हो, मुझे लेमन सूट नहीं करता इसलिए मैं सिंपल पानी पीती हूँ और सिप सिप कर कर पीती हूँ। पानी को भी हमें सिप सिप कर कर पीना चाहिए, एकदम से डकार कर नहीं पीना चाहिए। पानी पीने के 10 मिनट बाद यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ वॉक करने के लिए। यहाँ पर मायके में ना बहुत जगह है वॉक करने के लिए, तो मैं यहाँ पर जब भी आती हूँ वॉक ही करती हूँ, और यहाँ पर मैंने अपनी वॉक कर ली है फ्रेंड्स, अभी ख़त्म हो चुकी है और धूप भी अच्छी खासी निकल आई है, बहुत धूप निकल आई है। और मैं आपको छोटे छोटे प्यारे प्यारे डॉगी दिखाती, पपीस डॉगी की बेबी सा यहाँ पर ना कितने ज़्यादा 6-7 क्योंकि वो सब शिप रहे हैं देखिए, दिखाई दे रहे होंगे ना आपको, बहुत ही प्यारे हैं, 5-6 हैं ऐसे, कितने प्यारे हैं ना।
वॉक करने के बाद, नहाने के बाद पाठ पूजा कर ली थी मैंने फ्रेंड्स, लेकिन फिर मैंने व्लॉग नहीं बनाया और यहाँ पर नाश्ता बन रहा है, परांठे बन रहे हैं और साथ में है वाइट चने और पनीर की सब्जी है, सबके लिए सब बन रहे हैं और मैं लूँगी यहाँ पर भी फ्रेंड्स फ्रूट्स। यहाँ पर देखिए टेबल में सब कुछ लगा दिया है मैंने, तो मैं हमेशा आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ कि 32 बार ही क्यों मैंने चूज़ किया है वेट लूज के लिए। एक तो फ्रेंड्स बहुत आसान है, हम घर पर बिना पैसे खर्च किए हम इसको अपना सकते हैं इस फार्मूले को, और छोटी छोटी बाइट करनी है हमें, और एक छोटी बाइट जैसे ना एक नेल जितनी हमें बाइट लेनी है और उसको 32 बार च्यू करना है। जैसे हम फ्रूट भी खाएं ना, मैं देखिए पपाया और बनाना खा रही हूँ, इसको भी 32 बार ही च्यू करूँगी और इसके बहुत बेनिफिट होता है और हम हेल्थी भी बहुत रहते हैं फ्रेंड्स। तभी देखिए इवनिंग का टाइम हो चुका है यहाँ पर ना, मैं यहाँ पर सब्जी को काट रही हूँ, तो सहज ने यहाँ पर मेरे बेटे ने वीडियो बनाई थी, यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर आज बनाऊँगी तो नहीं मैं, लेकिन काट रख दूंगी ये वाली सब्जी, तो बनाएंगे जो हमारे हाउस हेल्पर आते हैं ना यहाँ पर पापा के घर पर लगे हुए, ये बनाते हैं बहुत ही अच्छे हैं, वो काम भी नहीं करने देते हमें। तो यहाँ पर देखिए सब्जी को मैं छील कर और काट दूंगी, यहाँ पर मैं बैठी हुई हूँ अभी, तब भी सब्जी काटने के बाद मैं बाहर जाऊँगी। यहाँ पर देखिए सहज अपनी वीडियो बना रहा था, तो मैंने छोटी सी उसकी क्लिप ऐड कर दी, मैं कहा उसने पहली बार बनाई है ऐसे, चलो ऐड कर देते हैं, नहीं तो वीडियो में ही नहीं आते बच्चे ना, तो शर्मा जाते हैं ना, कहते जब बड़े होने शुरू हो जाते हैं ना बच्चे तो फिर नहीं आते। तो उसने भी देखिए डॉगी की बनाई, बहुत ही ना ये वाले पप्पीज़ बहुत ही प्यारे हैं, जितने दिन भी हम यहाँ पर रहे ना इनको रोज खाना पानी हम सब इनको देते रहे, तो इनकी ना हमारे साथ जैसे पूरी दोस्ती हो गई थी। और इवनिंग के टाइम देखिए कितना ज़्यादा यहाँ पर ना बादल और आंधी तूफान आना शुरू हो गया एकदम से ही, अब तो इस बार तो मौसम का पता ही नहीं चल रहा कब बारिश आती कब तूफान आता है, कुछ पता नहीं चलता फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कितना तूफान आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा तेज, इतना तेज़ तूफान था ना, हम लोग सब यहाँ पर खड़े थे, यहाँ पर बहुत जगह हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए सहज क्या कर रहा है, तो जगदीप ने वाली क्लिप लो है ना उसने शूट की थी, तो यहाँ पर सब खड़े हैं, तो यहाँ पर बातें कर हम देख रहे हैं कि कितना तूफान आ रहा है इधर से देखिए, तो अभी आएगा तो बहुत तूफान आया था, बहुत बारिश हुई, लाइट भी चली जाती है यहाँ पर गाँव में, क्या होता है ना जब भी तूफान आता है ना ऐसे तो लाइट चली जाती है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आप देख लीजिए ये फ्रेंड्स कैसे आंधी तूफान एकदम से आ गया था, कितना आंधी तूफान है, बापरे बापरे आ जाओ अंदर, कितना घटा यार, कितना आंधी तूफान फ्रेंड्स देखिए, क्या हालत होगी एकदम से। लेकिन यहाँ पर देखिए पानी पानी हो चुका है सब, इस साइड हवा आ रही है ना, हवा के कारण इस साइड को बारिश आ रही है ना, इस साइड को आ पहर को देखो क्या कर रहे हैं। अभी हमने खाना खा लिया है आज, किया तोरी की सब्जी बनी थी, यहाँ पर देखिए बारिश, ओ माय गॉड ठंडी लगती है, चलो अंदर चलते हैं, बहुत बारिश हो रही है यहाँ पर, पानी आ रहा है बहुत ज़्यादा। तो अभी देखिए फ्रेंड्स अभी बैठते हैं थोड़ी देर, तो सहज अपने आप अंदर आ जाएगा क्योंकि बारिश बिल्कुल आगे तक आ रही, बहुत ज़्यादा भीग रहे हैं हम लोग। यहाँ पर पापा अपनी मेडिसिन खा रहे हैं, खाना हमने खा लिया है और अंदर चलते हैं, और यहाँ पर हमने एसी ऑन कर लिया है क्योंकि यहाँ पर लाइट जब कभी बारिश आती है या आंधी आती है तो लाइट यहाँ पर पहले चली जाती है, इसलिए एसी ऑन कर चुके हैं हम लोग यहाँ पर सोने के लिए, ये ना हो कि एसी चला ही नहीं तो बाद में हम लोग गर्मी में रहें।